हाथरस हादसे के बाद से विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा सुर्खियों में हैं। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में हुए बाबा के सत्संग में भगदड़ से 122 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से हर तरफ विश्व साकार हरि की चर्चा हो रही है। अब आगरा में बाबा से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने बाबा की भक्ति में अपने ही पति को छोड़ दिया है। पति इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और अब अस्पताल में भर्ती है। नारायण सिंह, जो पेशे से शिक्षक हैं, जीआर हॉस्पिटल के कमरे नंबर 305 में भर्ती हैं। उन्होंने प्रेम विवाह किया था और उनके 4 बच्चे हैं। 10 साल पहले उनकी पत्नी अपनी सहेलियों के साथ केदार नगर में स्थित भोले बाबा की कुटिया पर जाती थी। धीरे धीरे हर मंगलवार को कुटिया पर जाने लगी, जबकि नारायण सिंह इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। जब नारायण सिंह ने पत्नी को कुटिया पर जाने से मना किया तो घर में कलह शुरू हो गई। बच्चों के समझाने पर भी पत्नी नहीं मानी और बाबा की अंधभक्ति में पूरी तरह से डूब गई। अब नारायण सिंह का कहना है कि उनकी पत्नी पर बाबा की भक्ति का पर्दा पड़ गया है। हाथरस कांड के बाद उनके मन में बाबा के प्रति और भी घृणा बढ़ गई है, लेकिन पत्नी अभी भी बाबा को भगवान मानती है और उन्हें अपना पति परमेश्वर मानती है, यहाँ तक कि वह बच्चों को भी छोड़कर चली गई। इस सदमे के कारण नारायण सिंह डिप्रेशन में चले गए और पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। दुख की बात यह है कि उनकी पत्नी उन्हें देखने तक नहीं आई। पत्नी थी पहले बहुत अच्छी थी, मेरी बात भी मानती थी, पर पत्नी में प्रेम संबंध भी थे, लेकिन करीब 8-10 साल से ये भोले बाबा के सत्संग में जाने लगे, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी भाभियों के साथ, अपने और किसी के साथ, और बात धीरे धीरे 10 साल के अंदर बहुत हल्की 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 अब यहाँ तक बढ़ गई। उन्होंने ये कह दिया कि सा ये मेरा ये मैंने मैं इनको पति मानती ही नहीं, मेरा तो पति परमेश्वर है। थी मैंने खुद कानों से सुना था, हे साकार हरि, तुम्हें मेरे पति परमेश्वर हो, जो कुछ हो तुम ही हो मेरे, और उनके सामने रोती थी तस्वीर रख करके, ये मुझे खलती थी। इस बात पे हम दोनों मनमुटाव होता रहा और मैं बड़ा टेंशन में था जब इन्होंने 2-3 बात ऐसी कह दी कि कल मरे सो आज मर जाए, और मैं इसे तो अब मैं मानती ही नहीं, मेरा तो बाबा है, बाबा मेरा सहयोग करेंगे। मैं डिप्रेशन में चलता गया कई बार मैंने, लेकिन नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं डिप्रेशन में आकर के हॉस्पिटल में जानता हूँ ये सब पागल बनती है, वहाँ कुछ नहीं है, लोग वहां जाते हैं और इतना तक बताते हैं कि अगर पान भी थूक दे तो उसे महिलाएं जो है समेटती हैं अपने लिए, तो ये तो हमें प्रसाद मिल गया। कहीं कहते हैं कि हैंडपंप पे वैसे पानी ले जाओ, इसे रोग ठीक हो जाएंगे, और कहीं से कहते हैं ये ले जाओ मेरे चरणों की धूल ले जाओ, इसे सारे नष्ट हो जाएंगे, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मैं तो स्वयं नारायण हरि हूँ। तस्वीरें भी ऐसी बना ली है कि शेषनाग पर बैठे हुए विष्णु जी की है, और फिर महिलाओं को दिखाएंगे तो ये लगेगी भैया कि तो बिल्कुल साक्षात है, है? चक्र ऐसे घुमाएंगे जैसे कि चक्रधारी आ गए क्या, है? तो महिलाओं होता है कितना दिमाग है, ये उनके पीछे पागल हो जाती है। यह घटना समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है। अंधभक्ति की इस हद तक पहुंचने की कहानी ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया है। विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा की भक्ति ने एक पति पत्नी के रिश्ते को कैसे तोड़ा, यह एक गंभीर सोचने का विषय है। उम्मीद है कि समाज इससे सीख ले और ऐसी घटनाओं से बचने की कोशिश करे। लोकल 18 के लिए आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।